नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। राजधानी में आखिर बिहार भाषा साहित्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर करते हुए नजर आए। इस दौरान जानकारी के लिए आपको बताते चले कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना बहुत जरूरी है। बच्चों में ये आदतें डालनी होगी कि वो हमेशा पुस्तक अपने पास रखे। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में काफ़ी अच्छी चीज़ें दर्शाई गई, भाषा सांस्कृतिक साहित्य को दर्शाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लेखकों की कमी नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले बहुत कम है, इसमें हमें सुधार करनी होगी। इसी के साथ बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे, छोरे जाते आपको उनके बातों के साथ। देखिए, चिट्ठी आ जाएगी। आपको बताते समय मुझे बहुत खुशी हो रही है। लगभग सभी बच्चों ने मुझे चिट्ठी लिखी इस पुस्तक के लिए। सभी बच्चों ने चिट्ठी लिखी और कहा कि महामहिम, आपने हमको एक नई दिशा दी, नया विचार दिया। शिमला में बहुत बड़ा साहित्य सम्मेलन हुआ, अनंत विजय मुझे लगता है आप भी वहां आए थे। बहुत बड़ा साहित्य सम्मेलन होता है, लेकिन हमारी शिमला की इतनी सब अच्छे विद्यालय होने के बावजूद विद्यार्थियों को पता नहीं कि हमारे यहाँ बगल में वहां साहित्य सम्मेलन हो रहा है, साहित्यिक वहां प्रदर्शनी लगी है। किसकी जिम्मेदारी थी? हमारे उस विद्यालय के शिक्षकों की जिम्मेदारी थी। इन बच्चों को वहां पुस्तकें दिखाने के लिए लेकर जाने की जरूरत थी। मेरा कहने का अर्थ यह है कि हम ही इसके दोषी हैं, अगर पुस्तक पढ़ने वाले नहीं मिलते तो। आने वाले पीढ़ी में हमने उसके मन में एक रुचि निर्माण करने की जरूरत है आज, कि बच्चों ने पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हमारे घर में पुस्तक टेबल पर रहना चाहिए, आते जाते वक्त उसने देखना चाहिए, अरे हमारी माँ ने क्या रखा है यहाँ, देख तो लूँ मैं। इस बहाने वो उसको हाथ में ले लेगा, पढ़ेगा, अरे ये अच्छी है, ठीक है, लेकिन पुस्तक हाथ में लेने की आदत बन जाएगी। यहां से शुरुआत करने की जरूरत है। लेखक आप जैसे बहुत सारे हैं, बहुत हैं, मेरी चिंता यह है पढ़ने वाले कहाँ हैं। पढ़ने वाले चाहिए, तभी लेखक आगे जाकर साहित्य निर्माण कर सकेंगे। अन्यथा साहित्य के वहां घर में रखने के लिए थोड़ा ही होता है। साहित्य कृति लोगों ने पढ़नी चाहिए, इसीलिए लिखी जाती है, निर्माण की जाती है। उस सृजनशीलता का उपयोग तब होगा जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। इसलिए मेरा प्रयास ऐसे रहता है कि जहां भी जाता हूं वहां जाकर बच्चों के सामने बैठता हूं और उनको पढ़ने वाली बात, पुस्तक पढ़ने के लिए उनके पास मैं आग्रह करता हूं, जोर से बात रखता हूं और कहता हूं, बुक्स आर अवर फ्रेंड्स, बुक्स आर अवर गाइड्स एंड बुक्स आर अवर फिलोसोफर्स। ये बात उनके समझ में आती है। मुझे पता नहीं उनमें से अगर 10% भी बच्चे पढ़ने के लिए अपने मन में रुचि निर्माण कर सके, मुझे लगता है आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सक्सेसफुल। मुझे लगता है इस विषय को भी, मुझे पता नहीं आपके विषय से मैं थोड़ा भटक गया हूं आज के इस कार्यक्रम से, परंतु इस विषय को भी चिंता करने की, उस पर मंथन करने की आवश्यकता है। इस दिशा में आप सब विचार जरूर कहेंगे। यहां बैठे हुए सभी आप लोग जो हैं,